दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दशरथ है और आज आप सभी को स्वागत करता हूँ माई यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, ये मोबाइल जो है देख सकते हैं हमारा एक टेक्नीशियन भाई का ही मोबाइल है। इसका वॉलपेपर देख के आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट उसी ने भूल गया है इसका पासवर्ड किया है। सबसे पहले मैं पासवर्ड बताने के लिए मॉडल बताने के लिए स्टार है ऑनलाइन हैच करके पता लगाऊँगा ये कौन सी मॉडल है। ओके, और आप देख सकते हैं ये मॉडल जो है रियलमी 3 या 3i है, RMX 1827EX। ओके, तो ये जो इसका पासवर्ड है भूल चुके हैं, आज इसको हार्ड्रेस करेंगे। किस तरह से हार्ड्रेस किया जाता है आज इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हार्ड्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। ओके, पावर बटन दबा के स्विच ऑफ कर लेना है और ये हो गया स्विच ऑफ। और स्विच ऑफ होने के बाद फ्रेंड, ये है पावर बटन और ये है वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों को आपको दबा के रखना है। चलिए ठीक है, उसके बाद जैसे ही बूट होता है तो आपको पावर बटन को छोड़ देना है, ये रिकवरी मोड में आ जाएगा। बाहर से कॉल भी बना, ये रिकवरी मोड में आ चुका है। तो रिकवरी मोड में आने के बाद आप इंग्लिश में क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर जूम करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर वेब डाटा है, वेब डाटा पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वेब डाटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ पासवर्ड मांगेगा, प्लीज एंटर वेरीफिकेशन कोड। तो यहाँ पर UI मतलब इसका एंड्रॉयड वर्जन 10 होने के बाद यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड दे दिया है, ठीक है। ये रहा आपका वेरीफिकेशन कोड 4520, तो यहाँ पर 4520 आपको एंटर करना है, 4520। जैसे ही एंटर करोगे ये वेरीफिकेशन कोड आ गया है, आने के बाद आपको फॉर्मेट डाटा में क्लिक करना है और फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद ये फुल क्लिक हो जाएगा। ये हार्ड्रेस था, आपको ऑनलाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं, ऑफलाइन ही आपका मोबाइल को आजकल आप अनलॉक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे हुए, कोई ऑनलाइन करने का ज़रूरत ही नहीं है। वेपिंग प्लीज वेट, डू नॉट प्रेफर एनी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर एंड्रॉयड 10 अपडेट होने के बाद आप ऑनलाइन क्लास नहीं करा सकते हो या UEFI बॉक्स हो, वो भी कुछ करना नहीं है। ये मोबाइल उसके बाद ऑफ हो जाएगा और अपने आप ऑन होगा, और ऑन होने के लिए कुछ देर लगेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को बंद करके रखता हूँ। ओके, देखिए अभी तक मोबाइल बूट नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही बूट करता है कुछ देर लगेगा, तब मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। आपको रियलमी का जो भी मॉडल है हार्डवेयर सक्सेसफुली काम कर सकते हैं आप, वो भी ओनली फॉर एंड्रॉयड 10 UI वर्जन, उससे नीचे वर्जन का ये काम नहीं करता है और UI वर्जन ये काम करता है। ओके, देखिए अब तक भी ये बूट नहीं किया है, कुछ देर लगेगा इसको बूट होने में। देखिए ये बूट कर चुका है और अभी नेक्स्ट करते हुए आगे जाना है, और यहाँ पर आपको आपका कंट्री का सिलेक्ट करना है, हमारा कंट्री इंडिया है, और नेक्स्ट करना है, यहाँ पर स्किप करना है, स्किप करना है। तो यहाँ पर FRP मांग रहा है। ओके, टू प्रोटेक्ट योर फोन प्लीज कनेक्ट टू Wi-Fi मोबाइल नेटवर्क टू ऑथोरिजिकेशन, ठीक है।
तो हमको यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अगर FRP मांगता है तो आपको डायरेक्ट इसको बाईपास कर सकते हैं इमरजेंसी कॉल में जाके। यहाँ पर *#812 हैज करने से भी हो सकता है, लेकिन ये चाइनीज़ का लैंग्वेज आएगा, तो हम करेंगे *#1813, उसके बाद दबा देना है आपको हैज, ठीक है। दबाने के बाद कुछ देर के बाद ये बूट करके आगे बढ़ जाएगा, ओके। ये देखिए बूट हो चुका है, और अभी मैं सेटिंग में जाके आपको दिखाता हूँ कौन सी वर्सन था जो ये हार्डवेयर सक्सेस हुआ। ये देखिए Realme 3i का है, 3 GB का और 32 GB का, मॉडल नंबर RMX1827। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 और कलर ओएस वर्जन आपको U1 देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसीलिए ये काम किया, अगर विदाउट 10 वर्जन होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोग को अपलोड करके मेरा यूट्यूब चैनल पर बता सकूँ। थैंक यू।